सरकार खाद्य तेल की कीमतों में नरमी के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस दिशा में कच्चे पाम तेल के आयात पर लगने वाले 5% शेष कटौती की जा सकती है। ऐसे होने पर पाम तेल के कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट हो सकती है। वहीं इंडोनेशिया ने गत 28 अप्रैल से पाम तेल के अपने निर्यात को रोक दिया था, जिससे वैश्विक स्तर पर पाम तेल की कमी होने की आशंका पैदा हो गई है। इस वजह से पिछले 2 सप्ताह में भारत में पाम तेल के दाम में 5% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और ये बढ़ोतरी अभी आगे जारी रहेगी। वहीं मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से खाद्य तेल की कीमतों में राहत के लिए पाम तेल के आयात पर लगने वाले शुल्क में कटौती की सिफारिश की गई है, जिस पर वित्त मंत्रालय विचार कर सकता है। हाल ही में कच्चे पाम तेल पर लगने वाले कृषि शेष को 7.5% से कम करके 5% किया गया था, ताकि खाद्य तेल के दाम में उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सके। अब इंडोनेशिया के फैसले के बाद एक बार फिर से कृषि शेष में कटौती को लेकर मंत्रालय में चर्चा चल पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास खाद्य तेल के दाम में राहत देने के लिए शेष कटौती के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। हालांकि उपभोक्ता मंत्रालय लगातार खाद्य तेल के दाम व स्टॉक पर नज़र बनाए हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है। भारत सालाना 80 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है और इसमें से 40 लाख टन आयात इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया 62% की हिस्सेदारी के साथ विश्व का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक देश है। भारत में खाद्य तेल की खपत 225 लाख टन की है और इनमें से 80 लाख टन पाम ऑयल शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।